तो आज हम बनाने वाले हैं सरसों का साग। सरसों का साग जो कि अभी खेतों में पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है और काफ़ी टेस्टी भी लगता है खाने में। गांव में अधिकतर इनकी सब्जी बनाई जाती हैं, लेकिन शहर में बहुत कम मिलता है। तो आज हम इसकी रेसिपी शेयर करेंगे, आप ज़रूर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है बनाने के बाद। ज़रूर खा के ट्राई कीजिएगा कभी भी। तो ये सरसों का साग है जो मैंने बारीक कट करके, और यहाँ पे ये चने का साग है जो मैं इसमें मिक्स करके बनाऊँगी। काफ़ी टेस्टी रेसिपी है। तो ये मैंने बारीक कट कर लिया है चने का साग, और वहाँ पर सरसों का साग कट करके हल्का सा मैंने गर्म पानी में उबाल दिया है। यहाँ पे मैंने ली है मूंग की दाल, थोड़ी धो ली है, उसको वॉश कर लिया अच्छी तरह से पानी में। ये हमारी रेसिपी के जो सामान हैं, अभी मैंने मूंग की दाल एक मुट्ठी के समथिंग ली है, और सरसों के साग को मैंने उबाल के पानी में छान दिया है जिससे कि उसका पानी निचुड़ जाए। हमें गीला एकदम नहीं लेना है, पानी निचोड़ के यूज करना है जिससे कि जो इसकी स्मेल है वो निकल जाए। यहाँ पर मैंने अदरक और लहसुन को कूट के अच्छे से इसका बनाने वाली हूँ मैं पेस्ट, जिससे कि सब्जी में बहुत ही अच्छी खुशबू आने वाली है। और यहाँ पर मैंने ली है हरी मिर्च, लाल मिर्च का हम इसमें बहुत ही कम यूज करेंगे। यहाँ पे मैंने दो काली मिर्च और दो लौंग, अदरक और लहसुन के साथ मैं इसी में कूटूंगी दरदरा होने तक। अब हम ले लेते हैं अपनी कढ़ाई, और इसमें डाला है मैंने थोड़ा सा तेल। ज़्यादा ऑयल का हमें यूज़ नहीं करना है, कम ऑयल में बनने वाली सब्जी है फ्रेंड्स ये। अगर इसके साथ बाजरे की रोटी होती है तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे मैंने जीरा डाल दिया है कढ़ाई में, और बस अभी मुझे डालना है हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये हम अच्छी तरह से भून लेंगे, इसका जो मसाला है अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने हरी मिर्च अभी डाल दी है और अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया है। बस इनको मुझे अच्छी तरह से भुनना है रेड ब्राउन होने तक। हमारा जो सरसों का साग है वो मैंने निचोड़ने के लिए रख दिया है, थोड़ा पानी में मैंने भाप दिलवाई थी उसको, उसके बाद मैंने निचोड़ने के लिए रख दिया है। तो गाइज यहाँ पे देखिए हमारा लहसुन अदरक और हरी मिर्च है जो अच्छी तरह से पक गया है, रेड ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें मिक्स करेंगे अपना साग। तो जो हमने साग लिया है ना गाइज, उसको हमें अच्छी तरह से निचोड़ लेना है जिससे उसमें पानी की क्वांटिटी निकल जाए, एब्जॉर्ब कर जो पानी इसके अंदर था वो निकल जाए। देखिए मैं निचोड़ निचोड़ के इसको मिक्स करके डाल रही हूँ, और यहाँ पे मैं साथ ही सब कुछ अच्छे से निचोड़ने के बाद इसमें मिक्स कर दूँगी। इसकी जो भी हम रेसिपी समझें, तो अगर कुछ लोग ऐसे ही डाल देते हैं तो ये पानी सूखने में बहुत टाइम लेता है, तो हमें इसको अच्छी तरह से हाथों से निचोड़ के और कढ़ाई में डालना है। कढ़ाई में डालने के बाद आप देख रहे हैं ना इसमें मैंने कितना सारा पानी निकाला है, तो ये पानी हमें निकाल देना है। देखिए इसमें मैंने साग को है जो कि डाल दिया है, और अब हम डालेंगे इसी में चने का साग, और साथ में जो मूंग की दाल हमने फूलने रखी थी वो भी हम इसी में मिक्स कर देंगे। और तीनों चीज़ों को हमें बढ़िया तरीके से अकोर लेना है कम से कम 5 मिनट तक। इसको हम कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से अकोर लेंगे, जिससे कि सारी चीज़ें लहसुन अदरक और जो है पेस्ट है जो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएगा, और ये भी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगी पानी को और भुन जाएगी तो ऑयल में अच्छी तरह से। तो ये रेसिपी जो है कि गांव में अधिकतर देखने को मिलती है फ्रेंड्स, लेकिन शहर वाले भी इसको पैसे दे के खाते हैं। हमारे यहाँ तो गाँव से सब्जियाँ आती रहती हैं, आपके यहाँ आती हैं कि नहीं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपने कभी सरसों का साग खाया है और कैसे बनाते हैं रेसिपी, मेरे साथ भी ज़रा शेयर कीजिएगा। मुझे थोड़ा सा टिप्स अगर आपके पास हो तो ज़रूर बताया कीजिए। तो यहाँ पे गाइस ये अच्छी तरह से भुन चुका है, तो मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच मैं डालूँगी इसमें धनिया, साथ ही थोड़ी सी हल्की सी डालूँगी मैं लाल मिर्च, और थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाला हमें ज़्यादा नहीं डालना है, अदरवाइज़ सब्जी थोड़ी सी फीकी फीकी लगेगी। ज़्यादा हमें मसाले का यूज़ नहीं करना है, नॉर्मल एक कम मसाले में बनने वाली सब्जी होती है और हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि गांव की हरी सब्जियां हैं तो वैसे भी टेस्टी होती हैं और हेल्थ वेल्थ के लिए भी दोनों के लिए अच्छी होती हैं। तो गाइस ये देखिए मैंने मसाला है जो कि इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, और बस अभी हमें थोड़ा सा इसको ऐसे ही भुनने देना है जिससे कि हमारे मसाले में कच्चापन ना रहे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालना है हमें। यहाँ पे देखिए मैंने जो मूंग की दाल फूलने के लिए डाली थी, पानी में धो के रखी थी, वो भी मैंने मिक्स कर दी है। वैसे तो इसमें पानी की मात्रा नहीं ज़रूरत पड़ती, लेकिन हमने दाल भी इसके साथ डाली हुई है तो दाल जो पानी में सही से फूल जाएगी, पक जाएगी, इसके लिए हमें पानी भी मिक्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने टेस्ट अनुसार डाला है अभी नमक,
नमक आप कितनी क्वांटिटी में डालेंगे, जितना आपको स्वीट अच्छा लगे, आपकी सब्जी को एब्जॉर्ब कर ले। और यहाँ पे मैं डालने वाली हूँ अभी इसमें थोड़ा सा पानी, उसके बाद मैं इसको ढक के रख देने वाली हूँ और 5 से 10 मिनट समथिंग इसको अच्छी तरह से पका लूँगी। तो गाइज हमारी सब्जी है जो कि अभी अच्छी तरह से भुन चुकी है और उसके बाद अब मैं इसको ढकने वाली हूँ। यहाँ पे देखिए हमारी सब्जी को लगभग हो चुके थे 10 मिनट और अब हमारी सब्जी है जो कि बनके तैयार हो चुकी है। दाल भी अच्छी तरह से इसमें फूल चुकी है, अभी मैंने ढक के इसको रख दिया था। अब हम बस इसको कढ़ाई में खोल के थोड़ा सा कोरना है क्योंकि हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई है। कैसी रखी गाँव की ये रेसिपी ट्रिप, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।